10 मार्च बुधवार को अल्मोड़ा जिले के चकोटिया में गवर्नमेंट पेंशनर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन उत्तराखंड ने एक बैठक की। इस बैठक में वक्ताओं ने सरकारी नौकरियों से सेवानिवृत्त लोगों को आ रही तमाम तरह की दिक्कतों पर खास चर्चा की। बैठक में राज्य सरकार द्वारा गोल्डन कार्ड के नाम पर सेवानिवृत्त लोगों की पेंशन में से जबरदस्ती पैसे काटे जाने का विरोध किया गया। बैठक में मौजूद वक्ताओं ने कहा कि सेवानिवृत्त होने के बाद उन्हें शुल्क कम और सुविधाएं ज्यादा मिलनी चाहिए थी, लेकिन वास्तव में इसका ठीक उल्टा हो रहा है। इस मौके पर भगवत सिंह बंगारी, लीलाधर मटपाल, प्रकाश चंद उपाध्याय, के एन कबड़वाल, पी सी गौड़, केपीएस अधिकारी गंगादत्त शर्मा, दीवान सिंह, उर्वादत्त सत्यबली, बालम सिंह बिष्ट, गंगादत्त शर्मा, हरि प्रकाश पपने, दिनेश चंद माशीवाल, डीएस बिष्ट सहित दर्जनों गणमान्य लोग मौजूद रहे। बहरहाल इस बैठक में चकोटिया में पहले से सक्रिय राजकीय पेंशनर संगठन के स्थानीय सदस्यों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। सर, जो आज बैठक हुई वो किस मुद्दे पे हुई, सबसे पहले आप ये जानना चाहेंगे? यह पेंशनर्स की अपनी एक जो इकाई है और जो रोल लोग रिटायर हुए हैं, चाहे वो पेंशनर्स हैं या पारिवारिक पेंशनर्स हैं, उनके अपने जो भी समस्याएं हैं उनको लेकर यह एक बैठक हुई आज चौकिया ब्लॉक में, जो कि रामगंगा शाखा के द्वारा आयोजित हुई। रामगंगा शाखा में शालदे, शर्ट, भिक्यासेन और चौकटिया ब्लॉक रखे गए हैं। उसी के क्रम में आज चौकटिया ब्लॉक में यह मीटिंग हुई और अगली बैठक अन्य ब्लॉकों में नियमित रूप से होती रही। सर, जो आज ज़्यादा सदस्य आए थे, सबने गोल्डन कार्ड में जो पैसा कट रहा है उसका विरोध किया था, सर वो क्या मुद्दा है सर? हाँ, गोल्डन कार्ड सरकार ने जो बनाए हैं वह बिना किसी अनुमति के, पेंशनरों की अनुमति के बगैर सहमति के, बगैर उसमें कोई सूचना दिए हुए, बगैर उसको ऐच्छिक किए हुए जबरदस्ती ये कार्ड दिए हैं। जबकि होना ये चाहिए था कि पहले ऐच्छिक बनाना चाहिए था और पेंशनर से पारिवारिक पेंशनर से इसकी सहमति लेनी चाहिए थी। और आप कह रहे थे सुविधा भी नहीं मिल रही है अस्पतालों में? हाँ, जैसा कि सरकार की ओर से कुछ हॉस्पिटलों को सूचीबद्ध किया गया है, लेकिन उस सूची में यदि हमारे पेंशनर जा रहे हैं तो उनको वो सुविधा नहीं दे रहे हैं। हमारा ये उद्देश्य था या ये मांग है अभी भी कि जो ओपीडी है उसको भी इसमें सम्मिलित किया जाए और उसको कैशलेस दिया जाए, चाहे वे सरकारी अस्पताल हों या प्राइवेट अस्पताल हों, सभी ओपीडी भी कैशलेस हो। तो सर, आप कोर्ट का रास्ता अपनाएंगे या आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे? बिल्कुल, यदि हमने अभी सरकार को समय दिया हुआ है, वार्ता 20 फरवरी को हुई थी, उसके बाद शासन ने एक माह का टाइम मांगा था। यदि एक माह के अंदर शासन या सरकार ने इसमें कोई संशोधन नहीं किया या संशोधन किया तो वो पेंशनरों के मन मुताबिक नहीं हुआ या जो हमारी मांगे थी उसके अनुरूप नहीं हुआ, तो एक महीने के बाद अर्थात 20 मार्च के बाद हमारा संगठन हाई कोर्ट जाएगा। सर, चकोटिया में एक संगठन पहले से काम कर रहा है, आप उनके विलय की बात कर रहे हैं, सर उस पर क्या बात हुई? नहीं, हम उसके विलय की बात नहीं कह रहे हैं। वो अच्छा है कि वो पहले से चला हुआ है, यहाँ पर पहले से कुछ जागरूक लोगों ने उसे बनाया, यह बहुत अच्छी चीज है कि पेंशनरों को इकट्ठा किया था। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हमारे पूरे कुमाऊं मंडल, ज़्यादातर अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में पूरे 10 ब्लॉकों में गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन उत्तराखंड है, जबकि चौखुटिया में जो पूर्व से 4-5 वर्ष पूर्व से चला आ रहा है वो राज्य सेवानिवृत्त कर्मचारी संगठन है। तो हमारा ये निवेदन था यहाँ के अध्यक्ष और कार्यकारिणी से कि वे भी पूरे जनपद के साथ हमारे आए, एक ब्लॉक अलग न रहे। जबकि इस संगठन की जो चौखुटिया में जो पहले से संगठन चल रहा है उसकी पूरे उत्तराखंड में केवल 25 शाखाएं हैं 25 ब्लॉकों में, जबकि शेष ब्लॉकों में उत्तराखंड के 95 में से 25 इनके हैं और शेष ब्लॉकों में हमारे जो ये संगठन है जिसको कि 2001 का मान्यता प्राप्त है उसकी शाखाएं
हैं। आप देख रहे थे गेवाड़ न्यूज। गेवाड़ न्यूज की सकारात्मक संदेश देने वाली खबरें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, इसलिए गेवाड़ न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए।